हेलो गाइस, वेलकम टू इंस्पिरेशन एंड एजुकेशन चैनल। आज का हमारा वीडियो है स्क्वायर के ऊपर। ओके, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना विद इन सेकेंड्स। अगर आपने मेरा ये वीडियो पूरा देख लिया ना, तो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है आप पलक झपकते ही निकाल सकते हैं। जैसे 85 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 7225, 92 का स्क्वायर 8464, 98 का स्क्वायर हो जाएगा 9604, 103 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 10609। ओके, 616 का स्क्वायर आपका जाएगा 379456, 912 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 831744, और आपको 4592 का स्क्वायर हो जाएगा 2108644। तो चौक गए ना, मतलब विद इन सेकेंड्स ये आप निकालोगे। जितना फास्ट मैंने लिखा है ना, उतना ही फास्ट या उससे थोड़ा एक दो सेकेंड ज्यादा, उससे ज्यादा तो टाइम ना लगेगा, और आप इतने बड़े नंबर की भी स्क्वायर खुद से निकाल दोगे और विद इन सेकेंड्स बिना कैलकुलेटर की मदद से। तो दोस्तों मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहिए। पहले हम देखते हैं कि वो सारे नंबर जिनका यूनिट डिजिट 5 है। ओके, यूनिट डिजिट 5 है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको बोला 65 का स्क्वायर निकालने, तो 65 का स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे? 5 का स्क्वायर कर देंगे, 5 5 25, और 6 को उससे एक ज्यादा नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 में एक ज्यादा नंबर कितना होगा? 7, तो 7 6 42, 7 6 42, तो ये हमारा आंसर आएगा 4225। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। 75 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 55 जा 25 और 87 जा 56। तो बहुत जल्दी आप इसके स्क्वायर निकाल लेंगे। 85 का स्क्वायर अगर आया तो 85 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 55 जा 25 एंड 89 जा 72। तो विदाउट कैलकुलेटर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आप जिनके भी यूनिट डिजिट 5 है ना, उनका स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। क्या करना है? 55 जा 25 एंड 19 जा 90। तो ये तो वो सारे नंबर हो गए हैं जिनके यूनिट डिजिट 5 है। अब हम वो सारे नंबर देखेंगे जो 100 के नजदीक हो। ओके, नियर टू 100। तो हम इस वीडियो में तीन ट्रिक्स देखेंगे। पहला है यूनिट डिजिट जिनका 5 है, दूसरा है जो नंबर 100 के करीब है, और तीसरा ऐसा मेथड, ऐसा ट्रिक्स जो सारे नंबर पे अप्लाई होता है। अब 100 के नजदीक है तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, 92 का स्क्वायर। ओके, 92 का स्क्वायर बोला है तो देखेंगे 100 से कितना कम है। 100 से कम है 92, तो कितना कम है? -8, 8 कम है, तो 8 का हम स्क्वायर निकाल लेंगे। 88 जा 64, और चूंकि ये 8 से कम है 92, तो इसमें से हम 8 घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा? 8464, यही हमारा आंसर हो जाएगा। करेक्ट, चलिए दूसरा देखते हैं। मानिए 94 का स्क्वायर पूछा है, तो 94 जो है 100 से कितना कम है? -6, 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर लिख लेंगे, 66 जा 36, और चूंकि 6 कम है तो 94 में से हम 6 माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 8, और ये आ जाएगा 8836, इसका स्क्वायर है। ओके, तो चलिए अब ये तो हो गया वो नंबर जो 100 से कम थे। अब देखेंगे 100 से ज्यादा वाले नंबर। तो जैसे 104 बोल दिया है, और 104 का स्क्वायर, तो 104 जो है वो 100 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है, तो हम 4 का स्क्वायर निकाल लेंगे, 16, और चूंकि 4 ज्यादा है तो 4 हम इसमें ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 108, और ये हमारा आंसर हो जाएगा 10816, जो है 104 का स्क्वायर होगा। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि 107 का स्क्वायर पूछ रहा है। ओके, 107 का स्क्वायर पूछ रहा है, तो ये 100 से कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। ठीक है, तो हम 7 का स्क्वायर लिख लेंगे, 49, और चूंकि 7 ज्यादा है तो इसमें 7 जोड़ देंगे, तो 7714 कैरी 111, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 11449। ओके, तो अभी तक हमने देखा यूनिट डिजिट 5, जिन उन नंबर के स्क्वायर जिनके यूनिट डिजिट 5 है, और वो सारे नंबर जो 100 के करीब है। तो चलिए बड़े नंबर्स को देखते हैं जो 100 के करीब नहीं हो, तो उनके हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं। जैसे कि आपको कह दिया 616 का स्क्वायर निकालने के लिए। ओके, तो 616 का स्क्वायर निकालने दिया है, कभी भी ऐसा नंबर दिया जो तो 100 से तो बहुत ज्यादा है, तो 100 से तो कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन 600 से कंपेयर कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो 600 से कितना ज्यादा है? 16 ज्यादा है। ठीक है, तो ये 16 का हम स्क्वायर निकाल के रख लेंगे, तो 16 का स्क्वायर कितना आता है? 256। ओके, उसके बाद क्या करेंगे? चूंकि 16 ज्यादा है तो इसमें हम -16 करेंगे और +16 करेंगे। प्लस है ना, 16 ज्यादा है तो एक बार माइनस करेंगे 616 में 16 को, और एक बार 16 को जोड़ देंगे, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा। जोड़ देंगे तो 16 16 32, मतलब 632 आ जाएगा, और ये हमारा उसका स्क्वायर है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर देखना है कि ये दो जीरो है, तो दो जीरो बतलाता है कि ये दो नंबर को हम लेंगे। ओके, और ये जो है कैरी चला जाएगा, तो करना क्या है, ये 6 को इसके साथ गुना कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 6 18 19, 6 6 36 और 37। ओके, 3792,
और ये जो 256 है ना ऐसे लिखेंगे 256 ऐसे जोड़ देना है, ठीक है। मतलब 56 तो आएगा, ये दो जो है पहला ये कैरी चला जाएगा क्योंकि यहां पर दो ही डिजिट आता है, ठीक है, दो जीरो है इसका मतलब दो डिजिट रखना है, और एक जो तीसरा है अगर तीसरा है तो वो कैरी चला जाएगा इसके साथ जुड़ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 562249 73, बस यही आपका आंसर आ जाएगा, ओके 379456। तो बहुत ही इजी ट्रिक्स है, हर नंबर के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। एक बार फिर से देखिए करना क्या है आपको, जैसे कि बोल दिया है 912 का स्क्वायर निकालना, ओके तो 912 का स्क्वायर पूछा है ना, तो 912 किससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 900 के मुकाबले हम कंपेयर कर सकते हैं, तो 900 के मुकाबले कितना ज्यादा है, प्लस 12 ज्यादा है, ठीक है, तो चूंकि 12 ज्यादा है तो 12 का हम स्क्वायर निकाल लेंगे, 12 × 12 = 144। उसके बाद चूंकि 12 ज्यादा है तो एक बार इससे हम माइनस 12 करेंगे और इसमें एक बार हम प्लस 12 कर देंगे, तो 912 में से 12 घटा देंगे तो 900, और 912 में 12 जोड़ दिए तो 924, ठीक है, और ये आपका 144। ये आपको डिजिट्स ले आना है, ठीक है। उसके बाद देखना है कि यहां दो जीरो है इसका मतलब ये दो नंबर जैसे के तैसे रहेगा, और ये जो थर्ड नंबर है ना ये कैरी आ जाएगा। अब करना क्या है, 9 को इसके साथ गुना कर देना है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 9 × 4 = 36, 3 × 9 = 18, 3 = 21, 2 × 9 = 81, 2 = 83, तो 8316, ओके। और ये मेरा 44 क्या करना है, 144, ये बताया ना आपको, ये 1 कैरी चला जाएगा इसके मल्टीप्लीकेशन में, तो 4 × 4 = 7, 1 = 3 और 8, ओके तो इसका आंसर आ जाएगा आपको 831744, ओके तो एग्जैक्टली यही आपका आंसर है। तो बिल्कुल आप ऐसे किसी भी नंबर का इस शॉर्ट ट्रिक के साथ आंसर निकाल सकते हैं, उनका स्क्वायर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको कह दिया जाए 804 का स्क्वायर निकालने के लिए, ओके तो 804 किसके नजदीक है, 800 के नजदीक है, और 800 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो आप 4 का स्क्वायर कर लेंगे, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और चूंकि 4 ज्यादा है तो 4 माइनस कर देंगे और फिर उसमें 4 प्लस भी करेंगे, तो ऐसे रिजल्ट क्या आएगा, 800 आएगा, और 804 में 4 जोड़ेंगे तो 808 आएगा, ठीक है। अब दो डिजिट है तो दो डिजिट पूरा का पूरा लेना है इसको, अब इस 8 को इसके साथ गुना करना है, ठीक है, तो 8 × 8 = 64, 8 × 8 = 64, और ये 16 जो है जैसे कि तैसे जुड़ जाएगा, हमारा ये आंसर हो जाएगा 646416, ओके तो ये हमारा 804 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। कोई भी ऐसा नंबर हो जाए, मान लीजिए 708 का स्क्वायर ही पूछा है, तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, ओके 708 है तो 708 किसके करीब है, 700 के करीब है, ओके तो चूंकि 700 के करीब है तो कितना ज्यादा है, 700 से कुछ ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है, प्लस 8 है, तो हम 8 का स्क्वायर निकाल लेंगे, 8 × 8 = 64, और एक बार इसमें हम 8 को माइनस करेंगे और एक बार प्लस करेंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा, 700, ठीक है, 716, और ये आ गया 64, ठीक है। अब देखिए यहां पर दो डिजिट है, इसका मतलब दो डिजिट वैसे का वैसा जुड़ेगा, और ये 7 जो है इसके साथ गुना हो जाएगा, तो 716 में 7 गुना करेंगे, ओके तो कितना आ जाएगा, 6 × 7 = 42, 7 × 7 = 4 = 11, 7 × 7 = 49, 7 × 7 = 49, और 49 और 1 आ गया तो आ गया आपको 50, ओके और ये 64 वैसे का वैसे जुड़ जाएगा, आपका इतना ही आंसर है, दैट आंसर इज 501264, ये आपका 708 का स्क्वायर का आंसर है, ओके तो आप बहुत ही इजी ट्रिक के साथ किसी भी ऐसे नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। आपको लॉन्ग ट्रिक से नहीं जाना है, ठीक है, जितने भी कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू है आपको डायरेक्ट उसमें इस तरह के स्क्वायर पूछ देंगे और विद इन सेकेंड्स में आपको निकालना रहेगा, तो आपको ये ट्रिक्स उसमें बहुत ही मददगार होगी, ठीक है। तो चलिए कुछ ऐसे नंबर देखते हैं जो काफी डिफिकल्ट हो जाए बनाने में, ओके बड़े नंबर्स देखते हैं, तो चलिए एक बड़ा नंबर लेके देखते हैं, 4592 इसका स्क्वायर पूछा है, ओके अब आप इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो आप देखिए 4592 जो है वो 4600 के करीब है, ओके 100 नंबर को चेक करेंगे, ठीक है 100 नंबर क्या होगा, 92 किसके करीब होगा, 600 592 किसके करीब है, 600 के करीब, तो कितना कम है, 8 कम है, ओके 8 कम है ना 600 में, 4600 में ये 8 कम है, तो अब हम क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर निकाल के रख लेंगे 64, और चूंकि ये 8 कम है तो इसमें एक बार 8 जोड़ देंगे और एक बार 8 माइनस कर देंगे, तो जब 8 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 4600, और जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4584, ओके
और ये जो उसका स्क्वायर है दैट इज 64। अब क्या करना है, देखिए हमारे पास क्या है, ये दो डिजिट है, दो जीरो है, इसका मतलब दोनों का दोनों हमको लेना है, दोनों अंक कोई मतलब कैरी नहीं आया इसमें। और क्या करना है, 46 इसके साथ गुना कर देना है। ओके, आप 46 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 चौके 24, 2 6 48 50, 5 6 25 30, 5 35, 3 6 24 27, 4 6 16, 8 6 32 33, 3 5 6 20 23, 2 4 6 16 2 18। ओके, तो आपको रिजल्ट आ जाएगा 4 6 8 0 1 2। ओके, और ये 6 4 जैसे कि तैसे आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये काफी शॉर्ट ट्रिक्स में आप इसको निकाल सकते हैं। ओके, विद इन सेकेंड्स में इतने बड़े नंबर का आप स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके दिमाग में आ रहे हो कि अगर इस तरह का क्वेश्चन है, 747 का स्क्वायर अगर इस तरह का पूछा है, मान लीजिए ऐसा नंबर है 747 का स्क्वायर पूछा है, तो अब हम इसको कैसे निकालें, क्योंकि 100 के नजदीक तो नहीं जाएंगे, 747 है ना, अगर 800 गए तो भी बड़ा नंबर हो जाएगा। ठीक है, 800 गए तो भी, क्योंकि 53 कम है ना ये 800 में, और 47 ज्यादा है 700 में, तो कैसे करें, क्योंकि अगर हम 53 कम लेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे, फिर 53 ऐड करेंगे, 53 माइनस करेंगे, लॉन्ग प्रोसेस हो सकता है। ठीक है, तो इसको शॉर्ट ट्रिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, 747 है ना, तो 747 जो है वो 750 का सहारा लेंगे, एक डिजिट का, मतलब 10 डिजिट का सहारा लेंगे। ओके, पहले 100 डिजिट लेते थे, ऐसे केस में हम 10 डिजिट लेंगे, तो 747 जो है वो 750 से कितना कम है, 3 कम है। ठीक है, मतलब इसमें और 3 जोड़ दे तो 750 हो जाएगा, तो 3 कम है ना, तो इसका स्क्वायर हम निकाल के रख लेंगे। 3 का स्क्वायर कितना जाएगा आपको, आप याद रखिए हमेशा जो स्क्वायर आप निकालेंगे ना वो 2 डिजिट का होगा, तो 3 का स्क्वायर जो 9 आएगा वो आप क्या लेंगे, 09। ओके, उसके बाद ये 3 कम है तो एक बार तो 3 जोड़ेंगे और एक बार हम 3 माइनस कर देंगे, ठीक है, नियम के अनुसार, तो ये क्या हो जाएगा, 750 हो जाएगा और हो जाएगा 744। ये सीरीज आपको दिख गए। अब देखना ये है कि ये दोनों नंबर हमको एटलीस्ट लेना है, इसका मतलब डिवाइडेड बाय 100 करना होगा, हर जगह हम यही करते हैं। ठीक है, 46 आया तो डिवाइड बाय 100 ही किया ना, तो ये कट गया और हमने 46 को इससे गुना कर दिया और ये डिजिट वैसे का वैसे ही लिया, तो डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये एक जीरो कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद 75/10 आ जाएगा, इसका मतलब 15 और 5 2 10। ओके, 5 15 75 5 2 10, अब ये क्या आ गया, 15/2। अब इसको इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटू 2 और इधर भी इंटू 2, तो क्या आ गया, 30/4 और ये आ गया 744, और ये तो नंबर के साथ जुड़ना है इसको। ठीक है, ये हमने इसलिए किया कि इजी रहे मल्टीप्लीकेशन करने में। ओके, आप यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते थे, तो ये 4 से कटेगा, देखिए तो 4 का 4 3 4 8 32, ठीक है, 2 आया 4 6 24। अब हम इसने 30 इसलिए किया कि अब ये इससे मल्टीप्लाई करने में इजी रहेगा। ओके, सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 186 से 3 गुना करेंगे तो 558 आ जाएगा। ठीक है, और इसका एक जीरो और ये 09 इसके साथ जैसे का तैसे जुड़ जाएगा। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में भी आप अप्लाई कर सकते हैं जब नंबर्स मध्य में हो, ओके, मिडिल में हो, ना तो आपको उसके 700 में जाने में इजी पड़ रहा है, ना तो 800 जाने में इजी पड़ रहा है, क्योंकि मिडिल में आ गया ना नंबर ये, तो ऐसे केसेस में आप इस तरह के मेथड्स को आप फॉलो कर सकते हैं और आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। ओके, वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर फॉरवर्ड करें ताकि आपके दोस्त और भी लोग इसे सीख सके। धन्यवाद।